2009 से शुरू हुआ हमारा सफर कानपुर तक पहुंच चुका है। अपने ऐतिहासिक सफर में हमारा प्राचीन टीलों से सामना हुआ है। उनमें से एक है कानपुर में जाजमऊ का टीला। महाभारत काल के दौरान कानपुर का ये क्षेत्र दक्षिणी पांचाल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी कांपिलिया थी। जनश्रुतियों के अनुसार जाजमऊ प्राचीन काल में चंद्र वंश के एक प्रसिद्ध राजा ययाति के राज्य की राजधानी थी। 11वीं शताब्दी में भारत आए ईरानी यात्री अलबरूनी के संस्मरणों में जाजमऊ कन्नौज और प्रयागराज के बीच एक पड़ाव होने की पुष्टि करता है। माना जाता है कि जाजमऊ में गंगा नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक टीला चंदेल राजवंश के संस्थापक का किला है, जिसका शासन काल 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। जाजमऊ के ऐतिहासिक साक्ष्य टीले के नीचे दबे पड़े हैं। दो बार 1956-58 और 1973-74 में गंगा पुल निर्माण के समय टीला काटने के दौरान पुरातत्व विभाग यहां अन्वेषण कर चुका है। खुदाई में 700 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी तक के तथ्य सामने आए। इसे लगभग 2800 वर्ष पुराना बताया गया है। किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। अभी तक खुदाई से पूर्व मौर्य और कुषाण काल सहित प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के साक्ष्य पाए गए हैं। पुरातत्वविदों को विश्वास है कि साइट पर आगे की खुदाई से 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। अपने ऐतिहासिक सफर में हमने टीलों पर इतिहास को मरते देखा है। कंपिल का टीला महाभारत काल में राजा द्रुपद का किला होने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की खोजबीन करने का प्रयास नहीं किया गया। कन्नौज में जयचंद का टीला अभी भी ऐसे ही सो रहा है। एक बार इसकी खुदाई करने का प्रयास हुआ था। मजे की बात यह है कि पब्लिक खुलेआम यहां से प्राप्त बेशकीमती मूर्तियां, प्राचीन बर्तन, सिक्के, सील आदि अपने ड्राइंग रूम का हिस्सा बना चुकी है। विडंबना देखिए कि सभी जगह टीले के नीचे बस्तियां बसा ली गईं और कोई कहने सुनने वाला नहीं।